बेनबेटॉक वालों की एक न्यू फिल्म आई है जिसका नाम है मुंजिया और ये सेट है स्त्री यूनिवर्स में। और जब इसका टीजर आया था तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया था, तो मैंने इसलिए इसका ट्रेलर भी कवर नहीं किया था। बट मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि यार स्त्री यूनिवर्स में मूवी सेट है तो शायद से कुछ अच्छी हो सकती है मूवी, लेकिन उम्मीद तो पाकिस्तान के फैंस को भी थी और ये इंडिया से जीतेंगे। और मूवी की कास्ट की बात करें तो हमें इसके अंदर हमें एक भी बड़ा एक्टर देखने को नहीं मिलता। अगर हम बाकी फिल्म्स उठाएं स्त्री यूनिवर्स की तो उसमें हमें देखने को मिलती है श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, वरुण धवन और राजकुमार राव, लेकिन इसके अंदर हमें एकदम न्यू एक्टर देखने को मिले जिन्होंने काम भी अपना अच्छा किया है, स्पेशली अभय वर्मा। एज अ डेब्यू मूवी उनकी काफी अच्छा काम किया है और इसके अंदर शर्वरी भी है और अपने कटप्पा भी है, मोना सिंह और एक अभय वर्मा का दोस्त है जिसका नाम मुझे ऑनलाइन देखने को नहीं मिला, बट उसने भी काफी अच्छी एक्टिंग करी है मूवी के अंदर। और जो मुझे कैरेक्टर बनाया गया वो सीजीआई से बनाया गया है, जो सीजीआई है वो कुछ जगह अच्छा लगता है कुछ जगह इतना अच्छा नहीं लगता, बट आदिपुरुष के वीएफएक्स और सीजीआई से तो बहुत बेटर है। मैंने माफ कर दो। मूवी का जो रन टाइम है वो 2:20 का है और जो मूवी का थीम है वो एक हॉरर कॉमेडी मूवी का है। अगर हम स्पेशली हॉरर की बात करें तो फर्स्ट हाफ में हॉरर जो है थोड़ा अच्छा था और कुछ सीन जो है वो आपको डराने का भी काम कर देते हैं, लेकिन सेकंड हाफ की बात करें तो वहाँ पे हॉरर को थोड़ा बहुत कम कर दिया और चीजों को कैसे मैशअप करना है उस पे ज्यादा फोकस रहा सेकंड हाफ। और मूवी की स्टोरी में दिखाया गया कि एक 13-14 साल का बच्चा है, उसको शादी करनी है मुन्नी से और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, लिटरली कुछ भी। एक तरफ ये बच्चा है जिसको अभी से शादी करनी है, दूसरी तरफ मैं हूँ जो अभी भी सोच रहा हूँ कि मुझे शादी करनी है या नहीं करनी। और जैसे मैंने बोला था कि ये बच्चा जो है शादी करने के लिए कुछ भी कर सकता है और ये बच्चा अपनी बहन की खुद बलि देने लगता है और उस चक्कर में ये खुद मर जाता है वहां पर, एंड उसके बाद वो बन जाता है मुंजिया जो रहता है एक पेड़ के ऊपर। और कुछ सालों बाद अभय वर्मा जो है अपने गाँव जाता है और गुस्से में आकर के वो कहाँ चला जाता है, गेस करो, वहीं पे जहाँ पे जाना सबको मना होता है, जहाँ पे भूत होता है, बट मूवी है तो वहां जाना तो अनिवार्य है क्योंकि उसके बाद जो भूत ने उसके ऊपर आना भी तो है, भूत तो बट हम इसको नहीं कहेंगे जो भी कहते हैं उसको, गुस्से में चला जाता है वहां पे जहाँ पे मुंजिया है और फिर मुंजिया इसके ऊपर आ जाता है और अब मुंजिया को करनी है शादी मुन्नी से। अब वो शादी कर पाता है या नहीं कर पाता वो तो आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। अब मूवी में यहाँ पे कुछ लूपहोल्स भी है, जैसे कि मुंजिया जो है सिर्फ अभय वर्मा को दिखाई और सुनाई देता है, बाकी किसी और को भी दिखाई और सुनाई नहीं देता, बट वहीं पे उसके दोस्त को मुंजिया जो है सुनाई देता है। और भी काफी लूपहोल्स हैं, वो आप मूवी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मूवी के अंदर कटप्पा भी है तो उनका रोल जो है वो है भूत भगाने का। तो यहाँ पे मैं एक रेफरेंस में आपको दिखाना चाहूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कटप्पा का रोल क्या है। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी, बोल सकती थी। बेटे अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, बोलने लगे। और मूवी खत्म होने के बाद एक सॉन्ग है तो उठ करके मत चले जाना क्योंकि उसके बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जिससे आपको पता चलेगा कि ये स्त्री यूनिवर्स में कैसे लिंक हो रही है। ओवरऑल मूवी जो है ठीक ठाक सी है, ना ज्यादा अच्छी है ना ज्यादा बुरी है। चाहो तो ओटीटी पे आने का वेट भी कर सकते हो और अगर मन है तो थिएटर पे भी जाके देख सकते हो। बाकी आप लोग बताओ, आप लोगों ने अगर मुंजिया मूवी देखी है तो आप लोगों को कैसा लगा? और कुछ इसकी मैंने सुना है कुछ महाराष्ट्र में कुछ स्टोरी होती है मुंजिया को लेकर की, तो वो क्या स्टोरी है जरा मेरे को बताना मत भूलना, कमेंट में बता देना, चाहे मेरे को इंस्टा पे या ट्विटर पे डीएम कर देना। और जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर नहीं किया तो मुंजिया को भेज दूंगा, फिर कराते रहना मुन्नी से शादी उसकी।